अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें स्टेट बदलनी पड़ेगी। ये एनएलपी का कंसेप्ट है, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कोई भी परिणाम हमको हासिल करने के है तो उसके लिए हमारी जो अवस्था स्थिति है, मनोशारीरिक स्थिति, वो बदलनी पड़ेगी। अब एनएलपी में इसका विवरण किया हुआ है कि मनोशारीरिक स्थिति कैसी पैदा होती है, कैसी तैयार होती है। तो मनोशारीरिक स्थिति जो है ये है कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का क्या है कि पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, अंदर मेमोरी बैग में आपके क्या है। तो मेमोरी बैग, जो मेमोरी बैग में तैयार होता है वो देती है फिजियोलॉजी, मतलब एक शारीरिक बदल, और शारीरिक बदल जो तैयार होते वो और पीआईआर, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों मिला के स्टेट होती है। अच्छा, फिर पीआईआर कैसे तैयार होता है? पीआईआर जो है मतलब मेमोरी बैग में जो चीजें है या जो बातें हैं वो तैयार कैसे होती है? तो बाहर से पांचों सेंसेस से, पांचों इंद्रियों से अंदर जानकारी जाती है। पांच सेंसेस कौन से है? आंख, चमड़ी, नाक, जीवा और कान, पंचेंद्रिय। वहां से इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। जैसी इंफॉर्मेशन अंदर जाती हो तो जैसी है वैसी अंदर नहीं जाती हो, जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है उसमें से कुछ निकल जाती है, डिलीट की जाती, गायब हो जाती, कुछ तोड़ मरोड़ के जाएंगी, कुछ बदल के जाएंगी, और वो अंदर जाने के बाद में जो ऑलरेडी मेमोरी में रखा हुआ है उसके साथ में उसका टकराव होगा और एक नई मेमोरी तैयार हो जाएगी, एक नया पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पीआईआर तैयार हो जाएगा। और वो पीआईआर एक बार तैयार हो गया, मतलब उसके बारे में जो कुछ आप बन गया वो बन गया, अभी वो जो है वो देगा बर्थ, जन्म, शरीर में बदलाव, शरीर में बदलाव आएगा। और शरीर में बदलाव आ गया तो शरीर में बदलाव और पीआईआर बना के, ये दोनों मिला के मनोशारीरिक अवस्था, एक स्थिति, एक स्टेट तैयार हो जाती है। अभी ये जो स्टेट है वो अच्छी भी हो सकती है, मतलब रिसोर्सफुल हो सकती है, अनरिसोर्सफुल हो सकती है। रिसोर्सफुल स्टेट मतलब क्या है? एक ऐसी मनोशारीरिक अवस्था खुश की है, बहुत खुश, समाधान, शांति, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, लविंग, केयरिंग, ऐसी एक अवस्था। दूसरी जो है निगेटिव या अनरिसोर्सफुल, इसमें गुस्सा, एंगर, एपथी, सैडनेस, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ये स्टेट है, मतलब निगेटिव अनरिसोर्सफुल स्टेट है। तभी हमको यदि बदलना है तो हमको ये स्टेट जो हमारी बदलनी पड़ेगी, और स्टेट बदलने के लिए फिजियोलॉजी बदलनी पड़ेगी। फिजियोलॉजी बदलो या पीआईआर बदलो, दोनों में से कुछ ना कुछ बदलो तो स्टेट बदल जाए। अभी इसको सादी भाषा में उसे हम समझाना, एक एग्जाम्पल देके तो मैं बताऊंगा कि भाई मैंने सामने वाले आदमी को देखा कि वो मेरा एक पहचान का व्यक्ति है, वो सामने से आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूं, और मैंने उसको नमस्ते किया, उसने मेरी तरफ देखा नहीं और वो चले गया। घटना मैंने आंखों से देखी, आंखों से वो अंदर गई, अंदर जाने के बाद में पहले ही उसके बारे में मेमोरी मेरी अंदर है, कुछ ना कुछ मेमोरी बैग में, वो अंदर घटना गई कि उसने, मैंने नमस्ते किया, उसने नमस्ते किया नहीं, वो जो इन्फॉर्मेशन अंदर गई वो मैच किया कि पहले भी उसने ऐसा किया था, पहले भी उसने मेरा इंसल्ट किया था, वो तो हरदम ऐसा करते रहता है, ऐसा उसके बारे में मेरे दिमाग में जो पहले से विचार थे वो, और ये अभी उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, ये दोनों अभी एक साथ जुड़ गए और एक नई मेमोरी उसके बारे में तैयार हो गई। अब वो नई मेमोरी जो तैयार हो गई, अभी वो मुझे दे रही है चिड़चिड़ापन, मेरा इंसल्ट कर दिया, ऐसे विचार उसने प्रोड्यूस किया, भी नई मेमोरी कि मेरा उसने इंसल्ट किया, मुझे चिड़चिड़ापन आ गया और मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे निगलेक्ट किया है, वो हरदम ही ऐसा करता रहता है। तो ये जो है उससे फिर मेरे, ये जो पीआईआर तैयार हो गया उससे फिर मेरे शरीर पे फर्क आता है, मैं कांपने लगता हूँ, मैं गुस्से से उसकी तरफ देखूंगा या डाउन हो जाऊंगा, और एक मेरी मनोशारीरिक अवस्था, एक स्थिति तैयार हो जाती है। और फिर वो यदि अनरिसोर्सफुल है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मैं डाउन हो जाऊंगा, कभी वो दिखा तो फिर डाउन हो जाऊंगा, उसने मेरा इंसल्ट किया, वो मुझे चाहता नहीं है, उसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे दिमाग में विचार आते जाएंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये स्थिति बदलना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, विचार बदलने पड़ेंगे, या फिर उसको जो मैचिंग फिजियोलॉजी आ गई वो बदलनी पड़ेगी, तो फिर मेरी स्टेट बदलेगी और मैं कुछ तो भी अलग कर पाऊंगा। तो ये एनएलपी है पूरा, इसमें हम देखेंगे अगली बार कि भाई स्टेट जो है वो हम बदलते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो रिसोर्सफुल स्टेट हम कैसे निर्माण करें,
अच्छी स्टेट कैसे निर्माण करें, मनोशारीरिक स्थिति अच्छी कैसे निर्माण करें वो हम देखेंगे। और यदि हम वो कंट्रोल में ला सके, मनोशारीरिक अवस्था अच्छी निर्माण करना और वो मेरे कंट्रोल में लाना, बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।